नमस्कार दोस्तों, जीआरएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। लेकर मैं आ गया हूँ 11 मार्च 2019 का प्रमुख करेंट अफेयर, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न है, अटल आहार योजना की शुरुआत किस राज्य में हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं नवीन फडणवीस। दूसरा प्रश्न है, सबसे बुजुर्ग महिला जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड घोषित हुआ है वह किस देश की हैं? तो वो हैं जापान देश की, और उनका तकरीबन 116 वर्ष की उम्र हो चुका है। और आपसे जापान से रिलेटेड जीके बता दूं मैं कि जापान का कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और पीएम है शिनिज एबे। नेक्स्ट है कि IRDAI ने किसके साथ मिलकर संयुक्त कार्यदल का गठन किया है? तो NHA के साथ मिलकर IRDAI ने संयुक्त रूप से गठन किया है कार्यदल का। तो NHA का फुल फॉर्म जान लिया जाए तो NHA का फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ केयर एसोसिएशन। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस राज्य की हेल्थ केयर परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश के साथ किया है। आज का लकी ड्रॉ क्वेश्चन है जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं बहुत ही आकर्षक इनाम, कि आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? नेक्स्ट प्रश्न है, दून मसूरी रोपवे परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका जो आधारशिला रखे हैं वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2019 में भारतीय सर्वश्रेष्ठ महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन अवार्ड किसे मिला? तो प्रियंका दुबे को मिला है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री शहरी अंचल अमृत योजना कहाँ शुरू हुआ? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। तो आज जो प्रश्न है वो दो ठो उत्तराखंड से निकल के आया है और आपके लिए दोनों महत्वपूर्ण है, तो याद करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, ITBP बर्लिन में फर्स्ट प्राइज किसे मिला? तो ये इंडिया को मिला है। और ये दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है सरकारी बसों के लिए, रियल टाइम लोकेशन ऐप। तो आपके लिए आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूलिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना भी न भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।